अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं एक यूनिक किस्म के प्रोजेक्ट की जो है ना डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बात करूंगा, जो बेसिकली 150 से 200 साल पुराना जैन मजहब की एक समाधि है। ये इस वक्त पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला में मौजूद है और इस वक्त ये एवेक्यू ट्रस्ट बोर्ड के अंडर डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी है। मैं इस टाइम गुजरांवाला में मौजूद हूँ और जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं हिस्टोरिकल, ये एक 200 साल कदीम समाधि है। ये श्री आत्माराम जी जो कि एक जैन मॉन्क थे, उनकी समाधि है। और असाइनमेंट ये है कि इस बिल्डिंग की मैंने करनी है डॉक्यूमेंटेशन। जो इनकी औलादें हैं, जो बेसिकली इस समाधि को बनाने वाले हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है, उनकी औलादों ने, कि वो इसी तरह की समाधि जो है इंडिया में बनवाना चाहते हैं, ताकि जो लोकल ज़ायरीन हैं वो अपने बुज़ुर्ग की वहाँ ज़्यारत कर सकें, क्योंकि हर कोई पाकिस्तान तो नहीं आ सकता। तो आइए आज का दिन साथ गुजारते हैं और देखते हैं ये यूनिक असाइनमेंट किस तरीके से बेहतर सर अंजाम दी जा सकती है। तो अगर मैं सबसे पहले इसकी लोकेशन, इसकी नोयत की बात करूं, तो ये एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स है बेसिकली, जिसमें एक सेंट्रल में एक श्राइन है और उसके साथ साथ कमरे हैं जो उस वक्त के ज़ायरीन वहाँ पर आते थे, उनके लिए रिहाइश का इंतज़ाम होता था वहाँ पर। और वहाँ एक पुराना कुआँ भी मौजूद है, जो ज़ायरीन आते थे, ज़ाहिर है वो अपनी सफाई सुथराई के हवाले से वहाँ से पानी लेते थे। और वहाँ एक कमरा है जिसमें जैन टेंपल बनाया गया था उस वक्त। तो ये इन तकरीबन चार चीज़ों का मजमूआ ये कॉम्प्लेक्स है। बेसिकली जो डॉक्यूमेंटेशन की चीज़ है वो सेंट्रल समाधि है, जो एक चबूतरे पर कायम है। ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है उस चबूतरे का, और उसके ऊपर सेंटर में एक टावर और चार तरफ चार पोर्टिकोस बनाए गए हैं। ये एक बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग है, जिसपे बहुत डिटेल्ड जो है डिज़ाइन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, वो बेसिकली रिलीजियस ओरिएंटेड डिज़ाइन हैं, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें इस प्रोजेक्ट को यूनिक करती हैं। सबसे पहले मैं आपको साइट की इंफॉर्मेशन देता चलूँ। ये जीटी रोड है मेन, और बिल्कुल वॉक के फासले पे ये इसका जो है ना एंट्रेंस है इसकी समाधि की। इस पर ज़रा एक नज़र आप दौड़ाएं। अब ज़रा अंदर चलते हैं। ये इसका मेन गेट है। ये तकरीबन चीज़ें उसी ज़माने की हैं, लेकिन रेनोवेशन इसकी अभी हुई हुई है। तो ये सामने जो है मेन बिल्डिंग है समाधि की। ये जो टावर्स आपको नज़र आ रहे हैं, बेसिकली जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन रहेगी वो इन टावर्स की रहेगी। किसी भी जो है प्रोजेक्ट का, डॉक्यूमेंटेशन वाले प्रोजेक्ट का, सबसे पहला काम हमेशा होता है विज़िट। तो पहले करते हैं विज़िट इस जगह का। अगर आप इसको पूरी जगह का मुआयना करें, तो सब दरमियान में जो हैं ये उनके मेन समाधि के टावर्स हैं। इसके राइट और लेफ्ट साइड पे कमरे बने हुए हैं उसी ज़माने के। ये जो ग्रे वाले आप देख रहे हैं, इनकी हो गई है रेनोवेशन माशाल्लाह से, और बाकी जो हैं ओरिजिनल हालत में पड़े हैं। तो ये जिस तरह वक्त गुजरता जाता है, आने वाले ज़ायरीन के लिए जगहें चाहिए होती हैं, तो ये बाद में बनते रहते हैं। तो लेकिन ये जो है ना, ये ज़्यादा कदीम है। इस कमरे में मुझे ये भगवानों के रखने के लिए जो तावीज़, मुझे ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं पता इनको क्या कहते हैं, लेकिन ये पुराने से ज़माने के बने हुए, इसको अब जो है ना रेनोवेशन करने वालों ने डिस्टेंपर फेर दी इनके ऊपर। तो ये आपके सामने है, ये चार हैं। बाकी मज़ीद कमरे भी देखते हैं और इनकी यूनिकनेस देखते हैं कि क्या डिज़ाइन एलिमेंट्स डिफरेंट होते थे उस ज़माने के आज के एलिमेंट से। ये कदीम कमरे हैं। इसमें अगर अलमारियाँ हम देखें तो लकड़ी की शेल्स जो टूटी हुई हैं अब, और लकड़ी के रोशनदान और आर्च, पॉइंटेड आर्च से बने हुए शेल्स। ये छोटा जो है ये दिया जलाने के लिए स्पेस, ये बड़ा हॉल लग रहा है।
जब भी इस तरह किसी तारीखी इमारत की डॉक्यूमेंटेशन की जाती है तो सबसे पहले अवेलेबल डेटा देखा जाता है कि हो सकता है पहले इस बिल्डिंग का कहीं पे कोई नक्शा मौजूद हो या कोई ड्राइंग्स मौजूद हो, लेकिन बदकिस्मती से हमें वो ड्राइंग्स नहीं मिली। अब हम बात करेंगे इस बिल्डिंग की डॉक्यूमेंटेशन की। इस बिल्डिंग की डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी इसलिए चैलेंजिंग रही है हमारे लिए क्योंकि एक तो इसकी हाइट जो है वो काफ़ी ऊंची थी और वहाँ पे जाहिर है कोई भी बड़ी से बड़ी सीढ़ी भी ऊपर तक नहीं जाती थी, तो हाइट को मेजर करना जाहिर है उसके लिए टोपोग्राफिकल मशीन्स हमने मंगवाई, उसके बाद उसकी जो डिटेल्ड डिज़ाइन है उसको समझना और फिर उसकी जो है ना डॉक्यूमेंटेशन करना, ये भी एक चैलेंजिंग काम था। फिर उसके डिफरेंट फ्लोर पैटर्न्स जो थे सारे देखा जाए तो फ्लोर ब्लैक एंड वाइट टाइल्स के बने हुए थे, लेकिन उनमें भी डिज़ाइंस में फ़र्क और ज्योमेट्रिकल शेप्स जो थी वो सेम टू सेम जो है डॉक्यूमेंट करना। इस बिल्डिंग में बहुत कुछ यूनिक था, मिसाल के तौर पे लोटस फ्लावर की पंखड़ियाँ और लोटस फ्लावर इट्सेल्फ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। अगर आप पुरानी इमारतें देखें तो उसमें हिंदुओं के और जैनिज्म और बुद्धिज्म में लोटस फ्लावर को एक खास अहमियत हासिल है। ये एक तो इस फूल को पाकीज़ा समझा जाता है, दूसरा इस फूल की एक खासियत है कि ये कीचड़ में उगता है, तो अगर इसको सिंबलिज्म की दुनिया में देखा जाए तो ये मतलब बुराई की दुनिया में एक अच्छाई की अलामत है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल जगह जगह पर उस समाधि में नज़र आया। और जहाँ तक टाइलिंग की बात है तो टाइलिंग भी बड़ी यूनिक ब्लैक एंड वाइट इसलिए करते हैं यहाँ पे पुरानी इमारतों में कि ब्लैक एंड वाइट जो है ये भी एक सिंबलिज्म है, नेकी और बदी, अच्छाई और बुराई के सेंस में लिया जाता है, तो इसलिए ये ब्लैक एंड वाइट जो इसको रखा जाता है। फिर उनके रिलीजियस सिंबल्स डिफरेंट वहाँ पे बने हुए थे तो जिनको बेसिकली उनका मतलब समझना और फिर उनको उसी तरह की शेप्स में जो है ना डॉक्यूमेंट करना, ये भी एक थोड़ा सा जाहिर है अच्छा मुनफरिद और इंटरेस्टिंग काम लगा मुझे। तो जहाँ तक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट करने की बात है तो जो तो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन थे उनकी तो तस्वीर ले ली और बाद में ट्रेसिंग टेक्निक के तहत वो ड्राइंग्स में शो की गई, और जो तो बिल्कुल आसान और चौको और सीधे सीधे डिज़ाइन थे तो वो मयरिंग टेप की मदद से जो है मयर कर लिए गए। ये तो समाधि के नीचे नीचे तकरीबन 7-8 फीट तक जहाँ तक हाथ जाता था वहाँ तक तो ये सारी टेक्निक हमने लगा ली। अब ऊपर इसके ऊपर जो टावर है और डोम्स हैं उनकी डिटेलिंग कैसे हुई है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इस पूरी इमारत में मार्बल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है क्योंकि मार्बल एक तो उस वक्त इजीली अवेलेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल था, दूसरा ये है कि मार्बल जो है गर्मी में ठंडा रहता है, तो हमारे इलाके क्योंकि निस्बतन गर्म है इसलिए यहाँ मार्बल का इस्तेमाल किया गया। मेजरमेंट्स लेने के अलावा इस बिल्डिंग के तकरीबन हर कोने की हमने फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन की, एक एक डिज़ाइन एलिमेंट, स्टेयर्स, इसके दरवाजे, इसका हर कोना चाहे वो जिस हालत में भी था उसकी तस्वीरें ली गई। तकरीबन 500 से ज़ायद तस्वीर हमने इस पूरी बिल्डिंग की हासिल की। तस्वीरों के अलावा इसकी वीडियोग्राफी भी पूरी की गई, खास तौर पर जो बिल्डिंग के ऊपर वाला पोर्शन था जो डोम और टावर की डिटेल्स थी वो हमने ड्रोन यूज़ करके उसकी डिटेल कलेक्ट की। तो ड्रोन यूज़ करने का ये फ़ायदा हुआ कि ड्रोन जो है ना टॉप व्यू इस बिल्डिंग का लेता रहा और हम उसकी डिटेलिंग देखते रहे कि कितने डोम को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है और लोटस फ्लावर की जो पंखड़ियाँ हैं वो कितनी लगाई गई हैं और ऊपर से जो एक टॉप व्यू बनता है बिल्डिंग का वो कैसा बनता है, और मटेरियल की खास तौर पर थोड़ी सी जांच उससे पता चलती है। फील्ड से डेटा कलेक्ट करने के बाद मुख्तलिफ किस्म के 4 सॉफ्टवेयर में इसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की गई। सबसे पहले जो मेजरमेंट्स ली थी वो स्केल के मुताबिक ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में तैयार की गई, जिसमें प्लान रेडी किया गया, उसकी एलिवेशन, उसकी सेक्शन उसके काटे गए और ये तमाम चीज़ें मेजरमेंट्स जो हमने फील्ड से ली थी उसके मुताबिक की गई। उसके बाद ये डाटा जो है स्केचअप में शिफ्ट किया गया जहाँ पे इसकी 3D मॉडलिंग करना मकसूद थी, वो इसलिए कि बेसिकली एक आइडिया हो सके बिल्डिंग जब शुरुआत के दिनों में बनी थी तो किस तरह की नज़र आती थी, तो और उसके बाद स्केचअप से उसको लूमियन में रेंडर किया गया उस बिल्डिंग को,
और जाहिर है रिपोर्ट राइटिंग के लिए वर्ड का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। तो जो फाइनल एक बिल्डिंग की शक्ल बनी वो इस तरह की थी। चंद चीजें इस पूरी असाइनमेंट में मैंने कुछ ऐसी नोट की जो मुझे हमेशा याद रहेंगी। मिसाल के तौर पे जो डिजाइन उस वक्त बनाया गया आज से तकरीबन 150 साल पहले, तो ना उसमें किसी किस्म का स्टील इस्तेमाल किया गया और ना ही आजकल की मॉडर्न मशीनरी इस्तेमाल की गई। तो वो जो मजदूर या मिस्त्री उस वक्त के होते थे वो बहुत ज्यादा ही हुनर रखते थे, क्योंकि जो लोटस की पंखड़ियां बनाई गई हैं तो वो अभी तक उसी हालत में मौजूद हैं। और आजकल अगर बनाई जाए सीमेंट की या किसी भी चीज की, तो उनकी एज 4 से 5 साल मेरे ख्याल से मैक्सिमम होगी। तो बेसिकली ये जिन लोगों की समाधि थी जो इसको ऑन करते हैं आजकल, उनके आबाई घर भी वहाँ गुजरांवाला में मौजूद हैं जो मैंने जाके देखे, और वही सेम मटेरियल, वही सेम टेक्निक्स और डिज़ाइन और सारा कुछ उस वक्त का इस्तेमाल किया गया था, जो आज भी बड़ी शान शौकत से खड़े हैं। मैंने इनकी एक एक चीज बड़ी जो है ना डिटेल से देखी, इनकी स्टेयर्स, इनके दरवाजे, इनकी जो सेंट्रल इन्होंने डिजाइन बनाए हुए हैं बगैर स्टील के, बगैर जो है आरसीसी के, तो वो बहुत जो है ना हैरान करने वाले हैं। तो ये तो थी तमाम बातें असाइनमेंट्स के हवाले से। तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा आपको ये काम कैसा लगा और आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।